राजधानी रांची के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रदेश भाजपा की ओर से तीसरी बार मोदी सरकार के उपलक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम एक प्रकार से लोकसभा चुनाव में हुए पार्टी के अच्छे प्रदर्शन और नवनियुक्त सांसदों का पार्टी की ओर से स्वागत, आगामी विधानसभा चुनाव में इससे भी अधिक बेहतर प्रदर्शन हो सके इसके लिए सभी सम्मिलित रूप से एकत्रित हुए। कार्यक्रम के उपरांत संवाददाताओं से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को सीट मिली है उसके लिए झारखंड की जनता को धन्यवाद और आभार, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद। देखिए रिपोर्ट। फिर आगे आप उसको खुद भी देख सकते हैं, हमारे बताने की जरूरत है। बाबूलाल जी, वक्त बहुत कम है, आगे विधानसभा का चुनाव है, क्या कैसे मेकअप होगा? अरे मेकअप करेंगे, 4 महीना समय है और हम सब लोग काम में लग चुके हैं, तभी तो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ बैठा है। और दिल्ली से भी जो लौटेंगे हमारे सांसद जो लड़े हैं और जीते हैं सारे लोग, फिर अपना अपना क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, चुनाव में विपक्ष संविधान को लेकर के काफी उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन उनके दुष्प्रचार बार बार काट के हंडी भी चढ़ता है ना। दुष्प्रचार कर रहे थे तो आप सब लोग भी देख रहे थे, तो बार बार राहुल गांधी क्या बोलते हैं, वो संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे। सर दिल्ली जा रहे हैं क्या? नहीं यार, दिल्ली बुलाया गया है सभी प्रदेश अध्यक्षों को, मंत्रियों को। सर जो रिपोर्ट्स में क्या कुछ आप सौंपेंगे? पीछे तो नहीं है, अरे आईडी नीचे करिए ना, इतना ऊपर लगाइएगा तो कैसे? सर कहाँ गलती रह गई सर, सीटें घट गई झारखंड में? इसके बाद सरकार बनाने को भी लेकर काफी मंथन चल रहा है। सरकार बनने के लिए बिल्कुल सब तय हो गया, इसमें कहाँ मंथन। सर आप झारखंड की बातों को रखेंगे, झारखंड के छोटे से जो मंत्री होने चाहिए आज, देखिए वो प्रधानमंत्री अधिकारी सबका कोई मतलब नहीं रहता, प्रधानमंत्री खोलने का ताली बजनी चाहिए। आदरणीय विदुर परन माथुर जी को स्वागत करते हुए अभिनंदन इस प्रसाल में किया जाए।